ज़्यादातर लोगों के मन में शंका रहती है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत धीरे धीरे काम करती है और एलोपैथिक दवाई बहुत तेज़ी से काम करती है। उसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथिक दवाई में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान जानने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज जो आज का टॉपिक लिखे हूँ कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई में क्या अंतर है, कि हमको होम्योपैथिक दवाई किन डिजीज में लेनी चाहिए और एलोपैथिक दवाई किन डिजीज में लेनी चाहिए, और होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या अंतर है। सबसे पहले समझते हैं कि एलोपैथिक दवाई किस तरह से काम करती है और होम्योपैथिक दवाई किस तरह से काम करती है। एलोपैथिक दवाई एक पर्टिकुलर, कभी भी कोई शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरियल, फंगल या अन्य प्रकार के ऐसे इन्फेक्शन होते हैं या वायरस आते हैं जिनकी वजह से शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती हैं, जिसको ठीक करने में एलोपैथिक में क्या होता है कि उसने गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें दवाई दी। तो सीधे सामान्य भाषा बदल जाओ तो गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दी, वो एंटीबायोटिक गंदे बैक्टीरिया को तो मारेगी मारेगी, पर तो उसके पास में जो भी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका भी नाश करेगी। धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो वो जो एंटीबायोटिक है वो सेंसिटिव होने लगती है। अगर आप देखते होंगे तो 1970 के दशक में मेट्रोजिल आया करती थी, मेट्रोजिल स्वयं जी एक गोली एक दिन में देते थे तो पर्याप्त, उससे बड़ा अच्छा फायदा होता था। बाद में 200 mg, फिर सुबह शाम देने लगे, फिर 300 mg, मतलब फिर 200 mg, फिर 400 mg, फिर 400 mg एक टाइम पे, फिर 400 mg, तीन टाइम पर दे रहे हैं, तो उसके बाद भी अच्छा फायदा नहीं होता है। इस तरह से एंटीबायोटिक में हर जनरेशन अलग अलग जनरेशन की दवाई आने लगी कि ये इस जनरेशन की है, वो वाली जनरेशन जो पुरानी जनरेशन की दवाइयाँ वो काम नहीं करती हैं, नई जनरेशन की एंटीबायोटिक आ रही हैं। जो पुरानी एंटीबायोटिक हैं लगातार हमारी बॉडी में सेंसिटिव होते चली जा रही हैं और वो एंटीबायोटिक दोबारा फिर लंबे टाइम 2-4 साल काम करती हैं, फिर काम करना बंद कर जाती हैं क्योंकि बॉडी के अंदर सेंसिटिव हो जाती है। उससे नुकसान फायदा तुरंत होता है, पर नुकसान क्या होता है कि बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आने लगते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारे खत्म होंगे तो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आएंगे। हमने किसी भी रोग की दवाई ली तो साइड इफेक्ट में दूसरा रोग हमारे साथ में मिल जाता है। ये तो एलोपैथिक की चीज़ें हो गई। होम्योपैथिक क्या है? होम्योपैथिक में अगर आप पर्टिकुलर सिम्टम बेस्ड दवाइयाँ लेंगे, दवाइयाँ छांट के आपको मिलेंगी, तो वही दवाइयाँ हैं जो शुरुआत से थी, तो लक्षण अगर सही सही लक्षण मिल गए तो वही दवाइयाँ आज भी 100% काम करती हैं, बढ़िया काम करती हैं, कि उनने सिम्टम को चेंज कर देना है, लक्षण चेंज कर देने हैं तो दवाई बहुत बेहतरीन काम करती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उस होम्योपैथिक दवाई से साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है कि बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से। पहले कोई हर्ब होता है तो हर्ब का मदर नेचर बेस बनता है, फिर 1x पोटेंसी, इस तरह से पोटेंसी, जितना हायर पोटेंसी होगी तो उसमें दवाई की क्वांटिटी उतना कम होती है, बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत तेज़ी से काम करती है। ये होम्योपैथिक और एलोपैथी में ये अंतर है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत तेज़ से काम करती है, पर तो होम्योपैथिक दवाइयाँ तेज़ से तब काम करेगी जब आप पर्टिकुलर सही सही सिम्टम, सही सही दवाइयाँ आपने छांट के दी हैं पेशेंट के ऊपर, तो बहुत बेहतरीन काम करती है। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पर कि अगर पेशेंट ने सही ढंग से अपने सिम्टम दिए हैं या हम सही ढंग से सिम्टम ले पा रहे हैं तो एक खुराक दो खुराक दवाई से बहुत बेहतरीन अंतर दिखाई देता है। मैं अभी 2-4 दिन की बात ही बता रहा हूँ, एक लड़का मेरे पास में आया था, उसके लोअर एब्डोमेन बहुत पेन था और साथ में टेस्टिस में पेन था और पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा पेन था, एलोपैथी में बहुत दिखा उसने दिखा दिया था। तो सिम्टम जब मैं लिए
तो रोडोंडम के सिम्टम मिले, मैंने 3-4 खुराक उसको खिलाई और उससे बोला कि कल को आके बताना। और दूसरे दिन जब आया उसने कहा अंकल जी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, जबकि वो पिछले 6 महीने से एलोपैथी में ट्रीटमेंट लगातार कर रहा था, कभी राइट साइड में पेन हुआ था, कभी लेफ्ट साइड में पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके लोअर एब्डोमेन पेन हुआ था, पेट सही ढंग से नहीं हुआ था, पेशाब में दिक्कतें उसको थी, तो बहुत तेज काम। ऐसी बुखार में भी एलोपैथी में अगर सिम्टम बेसिस मेडिसिन हमारी है, अगर दवाई सही से छांट के हम दवाई लेते हैं तो होम्योपैथिक बहुत लाजवाब काम करती है। ये होम्योपैथिक है, नए वीडियो साथ में फिर मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।